पशुपालन में समय के साथ ध्यान देने योग्य बातें, तो बिना देर के आइए आपको दिखाते हैं। पशुपालन के क्षेत्र में आप जिस किसी व्यवसाय पे जुड़े हुए हों, चाहे वो दूध के व्यवसाय के लिए गाय भैंस रख रहे हों, या मांस के व्यवसाय के लिए आप भेड़ बकरियां रख रहे हों, या मुर्गी पालन कर रहे हों, सभी के लिए हर मौसम में थोड़ी थोड़ी प्रबंधन में बदलाव करने की आवश्यकता होती है, ताकि ये छोटे छोटे बदलाव से ध्यान में रखकर हम लोग समय अनुकूल, जैसे समय के मौसम के जो परिवर्तन हो रही है, उस परिवर्तन का असर पशुओं पर ना पड़े और हम उससे उत्पादन सही मात्रा में ले सकें, जितना हमें नस्लीय क्षमता है उसके अनुसार उत्पादन ले सकें, उसके लिए हमें कुछ कुछ चीज़ों के लिए प्रबंधन में कुछ कुछ बदलाव लाना अति आवश्यक होता है। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं गाय भैंसों में जो दुधारू पशुएं हैं उन सबों से, या फिर दूसरे पशुओं में भी आप पहला बदलाव जो होता है, जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो आप सबसे पहला बदलाव कीजिए अपने आवास स्थान को ध्यान पर रखकर। आपके आवास स्थान, पशुओं के आवास स्थान के लिए जो आप खिड़की दरवाजे या रोशनदान जो भी हवा के लिए क्षेत्र छोड़ रखे हैं, उन सबों पे आप कोशिश करें कि उन क्षेत्रों से जो सीधी ठंडी हवा का झोंका जो अभी चल रहा है, ये पशुओं के शरीर को सीधे तौर पर ना छूने पाए, इसकी आप अपने संसाधन के अनुसार व्यवस्था कर लें। जैसा कि किसान भाई साधारण तौर पे जूट के बोरे जो जिसमें खल्ली चोकर वगैरह आते हैं, उस तरह के बोरों को टांग कर उपयोग कर लेते हैं, या जिनके पास जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में है जो इस तरह के चीज़ों को नहीं खरीदते हैं, वे किसान भाई जैसे पुआल वगैरह के एक तरह का सीट बना लेते हैं, चादरें बना लेते हैं, उसको आप ढक कर कर सकते हैं, या फिर पत्तों का बना सकते हैं, या फिर बांस का जो पतला पतला ये छटनी टाइप का बनता है उसको आप बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप खिड़की दरवाजों को इस तरह की चीज़ों से ढक दें जिससे कि सीधी हवा आपके पशु आवास के अंदर ना पड़े। इसके अलावा पशु आवास के अंदर वाले भाग को भी ध्यान रखें, जैसे अंदर में जो पशु आवास का जो फर्श है उसमें कोई पानी का जमाव ना हो, किसी तरह के बहुत ज़्यादा अंदर में मॉइस्चर न बन पाए, इसका ख्याल रखें, वेंटिलेशन का ज़रूर ध्यान रखें, इसमें आसपास में कोई पानी का जमाव ना हो इसकी भी ध्यान रखें, क्योंकि इस समय में भी कई तरह के जो पैरासाइट्स हैं, कई तरह के ऐसे बीमारी होते हैं जो मक्खी मच्छर टिक्स लाइस इन सबों से पनपते हैं, तो उसका भी ज़रूर ध्यान रखें। विशेष करके कहें जो नवजात कम उम्र के पशु हैं, खास विशेष करके नवजात बछड़े हों या मेमने हों या जो न्यू चिक्स हैं, उन सबों में तापमान का तो विशेष ही ख्याल रखा जाता है। चिक्स में जैसे हम लोग अगर ब्रॉयलर पालन या दूसरे जो कर रहे हैं, वो ब्रूडिंग रूम का विशेष तौर पर व्यवस्था करते हैं, ताकि हम टेम्परेचर मॉइस्चर और खाने पीने के चीज़ों को विशेष तौर पर व्यवस्थित कर पाए। उसी तरह से किसान भाई जो आप जो गाय भैंसों की जो खेती पशुपालन कर रहे हैं, गाय भैंसों का जो व्यवसाय कर रहे हैं, उन सबों में भी नवजात बछड़ों के रहने का जो जगह है वहाँ पर फर्श में कुछ बिछाने के लिए आप सामग्रियों का अपने आसपास में जो सामग्री मौजूद है उसकी व्यवस्था जरूर कर लें। कुछ नहीं तो पुआल आप जरूर बिछा दें, या घर में अगर फटे पुराने बोरे हों या कपड़े हों, उन सबों पर आप नीचे में पूरा फर्श को सुखा के अगर बिछा देते हैं तो वहाँ के तापमान को व्यवस्थित करने में काफ़ी सहायता मिलती है। अगर इससे तापमान में और अधिक गिरावट हो जाती है, जैसे 10 डिग्री से नीचे आने लगती है, तो आप आर्टिफिशियल जो हीटिंग मेथड्स हैं, जैसे हीटर हो गए, इंफ्रारेड लाइट्स हो गए, या फिर जो बल्ब होते हैं 200 वाट्स के, उन सबों की भी व्यवस्था आप करके थोड़े उस जगह को जहाँ पे आप नए जानवरों को रखे हुए हैं, चाहे मेमने हों या बछड़े हों, उनके लिए आप ये व्यवस्था कर सकते हैं। इससे आप पे एक टर्म यूज होता है हाइपोथर्मिक, जो अपने शरीर तापमान से उनका जो तापमान है बहुत नीचे आने लगता है, तो वहाँ पर उनको काफ़ी सीवरिंग होती है, कपकपी होती है, लार निकलने लगेगा, खाने पीने के प्रति रुचि घट जाएगी, तो इससे आपके जानवरों की मृत्यु भी हो सकती है, तो उससे आप बच सकते हैं। ये हाइपोथर्मिक कंडीशन हमारे मैंने बड़े जो दुधारू पशुएँ हैं उन सबों में भी होने की संभावना रहती है। विशेष करके अगर संकर नस्ल के पशुएँ आप रखे हैं जो ज़्यादा दुधारू हैं, दूध अधिक मात्रा में दे रहे हैं, तो वहाँ पर मिनरल इम्बैलेंस भी हो जाता है इन समय पर, जिससे कि हाइपोथर्मिक कंडीशन में पहुंचने की संभावना और अधिक हो जाती है।